दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर जस्ट डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। वैसे दोस्तों गूगल इज नॉट डूइंग ग्रेट एट ऑल। ये सीसीआई की रूलिंग के बाद में अब उन्होंने डिसाइड किया है कि गूगल अब चेंजेस लाने वाला है उनके गूगल प्ले पॉलिसी में। जी हाँ, अब दोस्तों जो पहले ब्रांड्स वगैरह थे उनको ग्रुप जो था गूगल एप्स का वो सब इंस्टॉल करना पड़ता था, लेकिन अब इंडिविजुअली वो सेट कर पाएंगे और उस हिसाब से ही दे पाएंगे। वरना उनको सिर्फ गूगल मैप्स लेना था तो उनको साथ में गूगल डायलर और बाकी के गूगल एप्स भी लेने पड़ते थे, अब ऐसे नहीं है। तो ब्रांड्स जो है स्मार्टफोन ब्रांड्स जो चाहिए वो एप्स ले सकते हैं, बिग थिंग। जी हाँ, डिफॉल्ट सर्च इंजन भी अब आप बेसिकली गूगल है बाय डिफॉल्ट होता था, अभी ऐसे नहीं होगा, यू कैन डिसाइड नाउ, सो दैट्स अ गुड थिंग। ऑलराइट, इंडस एक कंपनी है दोस्तों, ये इंडिया में गेम्स बनाती है। अब उनका एक बैटल रॉयल गेम इंडस बैटल रॉयल, इसका ट्रेलर जो है वो बाहर आ गया। इनफैक्ट गूगल प्ले स्टोर पर प्री रजिस्ट्रेशन आप कर पाओगे, मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आई विल टेल यू व्हाट आई मीन, दिस इज, इसके पहले भी मेड इन इंडिया बैटल रॉयल गेम्स आए हुए लेकिन इतने अच्छे नहीं थे, बट दिस वन इज लुकिंग इम्प्रेसिव सीरियसली। ये सुपर गेमिंग जो है, इन्होंने गेम प्ले भी रिवील किया, उसका ट्रेलर भी आया हुआ है और क्या जबरदस्त लग रहा है दोस्तों, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब देखते हैं ये सुपर गेमिंग जो है क्या करने वाला है, बट लाइक आई सेड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, बहुत जल्दी आ रहा है इंडियन बैटल रॉयल गेम। वैसे दोस्तों एप्पल ने एक 3-layer फोल्डेबल डिस्प्ले का पेटेंट यूएस में जीत लिया है। अब ये अगर जीता है इसका मतलब शायद दोस्तों आईफोन्स में तो नहीं, जरूरत नहीं है, iPhones are going to be candy bar itself, लेकिन जो उनके iPads वगैरह उसमें 3-layer foldable display आ सकता है, तो we might get a foldable iPad. Wow! और एक बात बताऊं इस 3-layer foldable display की, वो बहुत ही मुश्किल है crack होने के लिए, so वो crack वगैरह नहीं होता है। Wow! I'm waiting. नहीं, उसके time है, एक दो साल तो जरूर लगेंगे, शायद ज़्यादा। ऑलराइट, बात करते हैं आने वाले फोन्स की, जो अपकमिंग लॉन्चेस है। वैसे अपकमिंग स्मार्टफोन्स फॉर नेक्स्ट मंथ, फॉर फरवरी हमने बता दिए, माय गुडनेस इट इज रेनिंग स्मार्टफोन, जरूर जाके वीडियो देखिएगा। लेकिन वन प्लस पैड कंफर्म हो गया है, कल परसों मैंने बताया था कि हो सकता है, लेकिन अब वन प्लस पैड भी कंफर्म हो गया है। बेसिकली वन प्लस का जो टैबलेट है Feb 7 को लॉन्च होने वाला है, जो उनका क्लाउड 11 लॉन्च इवेंट है, बेसिकली जहां पे वन प्लस 11 लॉन्च हो रहा है उधर ही दोस्तों वन प्लस पैड भी आने वाला है। एंड ये रीब्रांडेड नहीं है, मतलब ओप्पो टैब का रीब्रांड होके वन प्लस नहीं है वो, इट इज ऑल न्यू, फैंटास्टिक दोस्तों। ऐसे लग रहा है, दिस इज बाय द वे WTF न्यूज ऑफ द डे, मतलब जो मूवीज में हमने 10 साल पहले देखा था, टर्मिनेटर 2 मूवी देखा था, उसमें T-1000 था, शेप शिफ्ट करते थे, जी हाँ जो चाहिए उस शेप में आ जाता था, वैसे ही कुछ साइंटिस्ट ने एक्चुअल में इन रियलिटी क्रिएट कर दिया है, अ शेप शिफ्टिंग रोबोट, सोचिए दोस्तों। और ये जो है, ये रोबोट क्रिएट करने के लिए रिसर्चर्स ने गैलम नाम का एक मटेरियल होता है वो इस्तेमाल किया, जो एक बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ 30 डिग्रीज के अराउंड है, तो वो मेल्ट होके जो भी शेप चाहिए वो ले लेता है। दिस इज क्रेजी, मतलब उन्होंने मैग्नेट्स यूज किए हुए, मैग्नेटिक मिक्सचर है साथ में गैलम है, और उसकी वजह से वो मैग्नेटो एक्टिव सॉलिड लिक्विड फेज ट्रांजिशनल मशीन, मतलब अगर साइंटिफिक टर्म्स में बताऊं तो ये है, बट ये बेसिकली शेप शिफ्टिंग रोबोट हो गया है। वाओ, आर रोबोट्स गोइंग टू ओवरटेक द वर्ल्ड, व्हाट डू यू थिंक? चलिए लीक्स एंड रूमर्स के बारे में बात करते हैं। परसों मैंने आपको कोला फोन के बारे में बताया था, कोको कोला के ब्रांडिंग के साथ। अब दोस्तों रियलमी टीज कर रहा है एक स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन। अब हमें पता नहीं था कि ये कोला फोन कौन सा होने वाला है, बट ऐसे लग रहा है कि Realme का उनके कोलैबोरेशन के साथ में ये कोला फोन आने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे ये जो है दोस्तों Realme 10 4G एडिशन ही होने वाला है, लग रहा है। नाउ टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आई एम नॉट 100% श्योर, वही फोन आने वाला है Realme 10 4G, तो उसकी वजह से लग रहा है कि वो कोला फोन हो सकता है। 6.4 इंच की FHD 90Hz AMOLED स्क्रीन है, G99 प्रोसेसर एंड 50MP का डुअल कैमरा सेटअप है, और 15,000 के करीब आने वाला है कोला फोन। वैसे गूगल के दोस्तों टैबलेट के गूगल पिक्सल टैब, इसके इमेजेस और स्पेसिफिकेशंस आ गए हैं। 11 इंच की IPS स्क्रीन होने वाली है, टेंसर G2 चिपसेट होने वाला है, 8GB एंड 256GB स्टोरेज होने वाला है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। याद रखिए फोन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, पिक्सल टैब के बारे में बात कर रहा हूँ, और अलग अलग दो काइंड के डॉक आने वाले हैं इस पिक्सल टैबलेट के साथ। वैसे आपको पता है कि ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप ग्लोबली बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। अब उसके जो मार्केटिंग मटेरियल है वो लीक हो गए और सब स्पेसिफिकेशंस आ गए हैं दोस्तों। 6.8 इंच FHD प्लस 120Hz AMOLED स्क्रीन, 3.26 इंच का 60Hz AMOLED आउटर डिस्प्ले होने वाला है, डायमेंसिटी 9000 प्लस, ये तो पता था, 50MP के डुअल कैमरा सेटअप एंड 44W चार्जिंग। इंटरेस्टिंग फोन, फ्लिप, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ऑलराइट दोस्तों, आपको तो बताया कि क्लाउड 11 फरवरी 7 को होने वाला है, जहां पे वन प्लस के प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन और एक इवेंट बहुत ही जल्दी उसके बाद में होने वाला है, अराउंड मार्च 2nd
फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ मार्च में, जहां पे वो नॉर्ड के फोन्स लेके आने वाले, इंक्लूडिंग नॉर्ड सी थ्री सीरीज एंड फिटनेस ट्रैकर, नॉर्ड बड्स वगैरह, ये आने वाले हैं। सो या OnePlus अगले एक दो महीने में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ला रहा है, बहुत सारे। ऑलराइट, वक्त होता है आज के डील का। जी हाँ, इनफैक्ट एक नहीं दो डील दे रहा हूँ दोस्तों। IQOO Z6 Pro जो है, जो 778G पे आता है, वो 22,999 पे Amazon पे मिल रहा है। वैसे मैंने प्रोडक्ट टैग किया हुआ है, राइट हैंड साइड को जरूर जाके देखिएगा। और अगर दूसरी डील चाहिए तो IQOO 90 भी, जो 8+ Gen 1 पे बहुत अच्छा है, अंडर 50,000 आपको मिल रहा है, प्रोडक्ट टैगिंग किया हुआ है, जरूर जाके देखिएगा। टाइम फॉर सम रैपिड फायर। जी हाँ, नॉइस जो है 90% स्मार्ट वॉचेस मेक इन इंडिया, मतलब इंडिया में बनाने वाले हैं जैन 2023 से, मतलब इस महीने से। सो पूरा का पूरा स्मार्ट वॉच जो है दोस्तों, उसमें से 90% इंडिया में बनेगा, नॉट बैड। बोट रॉकर्स 378 नेक बैंड जो है इंडिया में लॉन्च हो गए हैं, एक दिन की पूरी बैटरी लाइफ है, 1299 प्राइस आई हुई है। वैसे सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज जो है, ये गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के प्रोटेक्शन के साथ आने वाला है, द लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट। एंड फाइनली दोस्तों, बता दूं आपको कि एप्पल जो है, एप्पल वॉच सीरीज 9 इस साल शायद नहीं लाएगा, इंस्टेड दे विल गेट एप्पल वॉच X या फिर एप्पल वॉच 10, आई डोंट नो, देखते हैं आने के बाद। वैसे आप एक चीज बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, जी हाँ, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, जो भी करना है जरूर कीजिएगा, अच्छा लगता है हमें। बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं वीडियोस, कुछ नहीं करते, अच्छा लगता है फिर भी। So do it right now. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।